हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं नीतू। देखिए फ्रेंड, आज मैं बहुत ही टेस्टी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये सब्ज़ी एकदम देसी स्टाइल में बनाऊँगी, लेकिन एकदम खाने में बहुत ही टेस्टी, एकदम सुपर टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। तो इस सब्ज़ी को आप रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, ये बहुत टेस्टी लगने वाला है ये सब्ज़ी। तो देखिए, इसके लिए मैंने 500 ग्राम के करीब गोभी लिया है, एकदम ताज़े फ्रेश गोभी लिया है। तो पहले गोभी को हम अच्छे से काट लेते हैं, डंठल को हटा लेंगे और छोटे छोटे पीस काट लेंगे। एक बार ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को ये सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। यदि आप लोगों को ये सब्ज़ी पसंद आए तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड कि आप लोगों को ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका डंठल हटा देते हैं और इस तरह से हाथों से ही हम तोड़ ले रहे हैं। सारे गोभी को देखिए तोड़ के, और इस तरह से देखिए छोटे छोटे पीस मैंने काट लिया है और अच्छे से धो के लिए हैं गोभी को। एक बार इस तरह से सब्ज़ी बनाइए, अच्छे से मैंने दो तीन पानी से धो लिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं ना फ्रेंड, इधर एक पतीले में पानी, थोड़ा सा छोटा पतीले में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे। तो पानी देखिए गर्म हो चुका है। तो एक प्याज को हम इस तरह से दो पीस काट के बॉईल कर लेते हैं, पानी में डाल देते हैं। और साथ में दो तीन टमाटर को भी हम इस तरह से देखिए चीरा लगा के, इससे मसाले, जब आप टमाटर और प्याज को इस तरह से बॉईल करके बनाएंगे ना, तो सब्ज़ी में ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट भी बहुत एकदम अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने मखाना डाला है, 8-10 मखाने डाल दिया है। मखाने से एकदम शादियों पार्टियों वाला सब्ज़ी बनेगा। एक बार इस तरह से गोभी आलू की सब्ज़ी में आप मखाने डाल के, काजू हो तो काजू डाल के इस तरह से आप बनाएं। तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है, तो अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, एकदम इसकी पेस्ट बना लेंगे प्यूरी। दो तीन मिनट में ये अच्छे से देखिए एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, और छिलके इसके हटा देंगे हम, छिलके टमाटर के। साथ में देखिए फ्रेंड, हम मसाले रेडी कर ले रहे हैं, तो एकदम घर के मसालों से हम बनाएंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने दो सूखी मिर्च लिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन लिया 8-10 कली, दो हरी मिर्च, थोड़ी सी जीरा लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च लिए हैं। इस तरह से आप मसाले एक बार रेडी करके बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है। साथ में देखिए, इधर कढ़ाई गरम होने के लिए हम चढ़ा दिए थे, तो कढ़ाई मेरा गरम हो चुका है फ्रेंड। तो इसमें हम सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, तो 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाले हैं। तेल मेरा गरम हो चुका है, तो सारे गोभी को हम डाल देते हैं। ये देखिए सारे गोभी को मैंने डाल दिया है, और अभी हम एकदम हाई फ्लेम पे ही गोभी को फ्राई करेंगे। ये देखिए 1-2 मिनट इस तरह से चलाते हुए हम गोभी को फ्राई कर ले रहे हैं। तो गोभी देखिए थोड़ा लाल हो चुका है। तो गोभी फ्राई करने में 10 से 15 मिनट के करीब लग जाता है। तो साथ में देखिए, गोभी में हम थोड़ा नमक डाल दे रहे हैं, ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नमक डालने से। और हल्दी डाल दे रहे हैं कलर के लिए, और मिलाते हुए हम इसको, अच्छे से फ्राई कर ले रहे हैं। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे हम। तो साथ में देखिए, 2 आलू को मैंने बॉईल करके रखा था इस तरह से पीस पीस काट के, तो हम 2 आलू को भी डाल दिए हैं गोभी के साथ ही। थोड़ा गोभी हल्का सा फ्राई हो जाए ना, क्योंकि आलू मेरा बॉयल है, तभी आप डालें।
देखिए गोभी आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो इसको हम साइड में कर देते हैं फ्रेंड। तब तक हम ग्रेवी बना ले रहे हैं। तो इसके लिए देखिए एक बर्तन मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए भगोना। आप चाहो तो कढ़ाई में भी ग्रेवी बना सकते हैं। तो इसमें हम सरसों का तेल डाल दिए हैं, तेल मेरे गर्म हो चुके हैं। तो हम थोड़े खड़े गरम मसाला डाल दिए हैं, दो मिर्च डाले हैं, एक तेजपात, थोड़ा सा ये इलायची और दालचीनी डाले हैं, साथ में थोड़ा सा जीरा डाले हैं। सारे चीज़ देखिए मेरे चटक चुके हैं। तो थोड़ा सा हम हींग भी डाल दिए हैं फ्रेंड, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। और दो प्याज को देखिए इस तरह से लंबे लंबे काट के लिए हैं। इसमें थोड़ा प्याज हम ज़्यादा डाल रहे हैं, तो प्याज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोभी आलू मटर की सब्ज़ी में। तो प्याज देखिए हल्का एकदम सॉफ्ट हो गया है, रेड भी हो गया है प्याज, एकदम अच्छे से भून गया है। इस तरह से कलछन से देखिए एक दो बार चला के प्याज अच्छे से मेरे एकदम भून चुके हैं। तो जो मसाला मैंने रेडी करके रखा था वो मसाला हम इसमें डाल दिए हैं। और मसाला को भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। जब तक मसाले की अच्छे से भुनाई नहीं होगी तब तक सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो साथ में देखिए एक चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, जिससे बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी का। साथ में नमक डाल दे रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। नमक मैंने पहले भी गोभी में डाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मसाले को एकदम अच्छे से भुनाई करना है। जब तक कि मसाले से तेल ना छोड़ दे। ये देखिए मसाले अच्छे से एकदम भून चुके हैं। तो हमने टमाटर और प्याज और जो मखाने मैंने पीस के रखा था ना वो हम डाल दिए हैं। और उसको भी हम मसाले के साथ भूनेंगे एकदम ढक ढक के। तो देखिए मसाले को हम ढक के भूनेंगे, तब तक मसाले भी अच्छे से एकदम पक जाएंगे। तो 5-10 मिनट देखिए हो चुका है, बीच बीच में हम इसको चलाते भी रह रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड मसाले मेरे एकदम अच्छे से भून गए हैं, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो इसको कंटिन्यू हम इस तरह से चलाएंगे। तो अब हम मटर हैं, 500 ग्राम मटर को हम छील के लिए हैं, उसको भी हम देखिए डाल दिए हैं मसाले के साथ एक दो मिनट चला के। जो गोभी और आलू को मैंने फ्राई करके रखा था वो सारे हम डाल दिए हैं इसमें। और 2-3 मिनट इस तरह से हम मसाले के साथ गोभी आलू को थोड़ा सा भून लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आप लोगों को ये सब्ज़ी अच्छी लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड, ताकि अगले जो भी मैं रेसिपी बनाऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए सब्ज़ी को मैंने थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला है कढ़ाई को धो के, मसाले के साथ एकदम अच्छे से मैंने भून लिया है। तो अब हम इसमें ग्रेवी डाल देते हैं। ग्रेवी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं ये सब्ज़ी चावल के साथ खाने वाली हूँ। तो आज मकर संक्रांति है तो इसको चूड़े के साथ भी ये सब्जी, मकर संक्रांति स्पेशल सब्जी है फ्रेंड ये। तो देखिए ग्रेवी डाल दिए हैं, तो अब हम इसको ढक देते हैं। ढक के हम करीब 5 मिनट इसको पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट के करीब हो चुका है, सब्जी में अच्छे से एकदम उबाल आ गया है और सब्जी भी मेरा देखिए पक चुका है एकदम। ये
एक बार गोभी को हम दबा कर देख ले रहे हैं। आलू तो ऑलरेडी मेरा पका हुआ है, तो अभी थोड़ा सा कच्चा है फ्रेंड, तो इसको हम ढक देते हैं और 5 मिनट इसको पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, तो सब्जी एकदम अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें ग्रेवी भी देखिए एकदम मस्त बना। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिए हैं और गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं फ्रेंड। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी सब्जी को सर्व करेंगे, तो स्टीम हटेगा ना तो बहुत अच्छा एकदम कलर आएगा सब्जी का और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एकदम मस्त ये सब्जी बना है। तो इसको ढक दिए हैं फ्रेंड और ये देखिए कितनी अच्छी मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये सब्जी, गोभी आलू मटर की सब्जी ज़रूर पसंद आएगी। फिर मैं मिलती हूँ अगले नई रेसिपी के साथ। तो आप लोगों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।